प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके खजाना फॉर यू क्लासेज में। तो दोस्तों एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। यहाँ पर आप BSTC 2022 के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेली क्लासेज अटेंड करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने आ गए हैं। इन 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। ऑप्शन है दोस्तों हमारे चित्रांगद मौर्य, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर उदय सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों वो हमारे चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? चित्रांगद मौर्य ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं। दोस्तों थार की जो वैष्णो देवी है वो किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे तन्नोट माता, नागनेची माता, करणी माता या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे शीतला माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, थार की जो वैष्णो देवी है दोस्तों वो तन्नोट माता को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है? तन्नोट माता को। और दोस्तों तन्नोट माता का जो मंदिर है वो हमारे जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में। तन्नोट माता का जो मंदिर है दोस्तों वो हमारे जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों अकबर का जो किला है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे अजमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़ या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे जयपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, अकबर का जो किला है दोस्तों वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का जो मारवाड़ का जो भूला बिसरा राजा है दोस्तों किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे उदय सिंह, रावचंद्र सेन, जगमाल सिंह या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे महाराणा सांगा का। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, मारवाड़ का जो भूला बिसरा राजा है दोस्तों वो हमारे रावचंद्र सेन को कहा जाता है। दोस्तों इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रताप का अग्रगामी। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है। दोस्तों तो दोस्तों इसका जो प्रताप का जो अग्रगामी है वो दोस्तों रावचंद्र सेन को कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का जो गौरव है वो किस जिले को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे भरतपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, राजस्थान का जो गौरव है दोस्तों वो हमारे चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे अजमेर, अलवर, भरतपुर या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, राजस्थान का जो हृदय है दोस्तों वो हमारे अजमेर जिले को कहा जाता है। दोस्तों क्योंकि जो राजस्थान अजमेर जिले का जो दोस्तों मैप है वो हमारे हार्ट के समान होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों सिलीसेड जो झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे भरतपुर, अलवर, जयपुर या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे बीकानेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, सिलीसेड जो झील है वो राजस्थान के दोस्तों अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में सिलीसेड झील स्थित है। दोस्तों ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान में जहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम मात्रा में होती है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे भरतपुर, जैसलमेर, अलवर और दोस्तों लास्ट ऑप्शन हमारे बाड़मेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, राजस्थान के जो दोस्तों जैसलमेर जिले में
सर्वाधिक कम वर्षा होती है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिया सफारी पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? माचिया सफारी पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन हमारे जोधपुर, अलवर, कोटा या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, माचिया सफारी पार्क राजस्थान के दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? माचिया सफारी पार्क जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकी आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? ऑप्शन है हमारे माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पत्तिक या फिर हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, राजस्थान में एकी आंदोलन के जो प्रवर्तक है या फिर एकी आंदोलन जो चलाया था दोस्तों, वो हमारे मोतीलाल तेजावत ने चलाया था दोस्तों। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान में एकी आंदोलन चलाया था दोस्तों। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किसने दी दोस्तों? जो अशोक परमार है उसको ऊपर माल की जागीर किसने दी तो दी थी दोस्तों? ऑप्शन हमारे उदय सिंह, राणा सांगा, मान सिंह और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे जय सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, अशोक परमार को ऊपर माल की जो जागीर है दोस्तों वो हमारे राणा सांगा ने दिलवाई थी दोस्तों। राणा सांगा ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? अशोक परमार को उपरमाल की जागीर राणा सांगा ने दी थी। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग की छत लकड़ी की है दोस्तों? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों? ऑप्शन हमारे जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जूनागढ़ या फिर रणथंभौर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, राजस्थान के जो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग हैं, जैसलमेर दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था दोस्तों? अजमेर में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? ऑप्शन हमारे सर टॉमस रो, जॉर्ज लोकेट, पैट्रिक लॉरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, अजमेर में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज शासक था दोस्तों वो हमारे जो प्रथम अंग्रेज जो था वो दोस्तों सर टॉमस रो था। कौन था दोस्तों? सर टॉमस रो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भेंट किसने की दोस्तों? महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भेंट किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन है हमारे भामाशाह, अशोक परमार, माधो सिंह और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे जगत सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भेंट जो दोस्तों की थी वो हमारे भामाशाह ने की थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भेंट भामाशाह ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, BSTC वालों के लिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए भी ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों आप इस क्लास को एंड तक वॉच करना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बातें न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे कोटा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है दोस्तों वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिया बाबा किस जनजाति के आराध्य देव हैं दोस्तों? जो भूरिया बाबा है वो किस जनजाति के आराध्य देव है? ऑप्शन हमारे भील, मीणा, ग्रासिया और दर्जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे, भूरिया बाबा जो है दोस्तों वो मीणा जनजाति के आराध्य देव है दोस्तों। किस जनजाति के आराध्य देव है? मीणा जनजाति के। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाना दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों?
जो शिवाना दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे बाड़मेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे शिवाना दुर्ग जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाना दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, तो बता दीजिए एक बार। ऑप्शन है हमारे बाड़मेर, भरतपुर, कोटा या फिर जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे शिवाना दुर्ग जो राजस्थान के दोस्तों बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक कहाँ के हैं दोस्तों? ऑप्शन है पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक कहाँ के हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे बूंदी, बीकानेर, जोधपुर या फिर अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे पशु पक्षियों के जो चित्र है वो सर्वाधिक दोस्तों बूंदी के है दोस्तों, बूंदी चित्र शैली के है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो जीण माता का मंदिर है वो राजस्थान के कहाँ पर स्थित है दोस्तों, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे सीकर, जयपुर, बीकानेर या फिर अलवर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे जीण माता का जो मंदिर है दोस्तों वो हमारे रेवासा सीकर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? रेवासा सीकर में। और दोस्तों इनके जो मंदिर है, इनके मंदिर के सामने इनका जो इनके भाई का मंदिर भी है दोस्तों, हर्ष माता का मंदिर है, हर्ष माता का मंदिर है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 कंबों की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे बूंदी, भरतपुर, अलवर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे 84 कंबों की जो छतरी है दोस्तों वो हमारे बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई कला में क्या चित्रित है दोस्तों? पिछवाई चित्रकला में क्या चित्रित है दोस्तों? ऑप्शन हमारे राजदरबार, युद्ध के चित्र, श्री कृष्ण लीला या फिर मांडना। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे पिछवाई कला चित्रकला में दोस्तों जो श्री कृष्ण लीला के चित्र चित्रित है दोस्तों, ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन है हमारे मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, जय सिंह या फिर उदय सिंह। दोस्तों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे हवा महल का जो निर्माण है दोस्तों वो हमारे सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। और कब करवाया था दोस्तों? 1799 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों? थेवा कला जो है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे प्रतापगढ़, जयपुर, अलवर या फिर भरतपुर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे थेवा कला जो है दोस्तों वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की। तो ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, बटनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? बटनेर दुर्ग जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन हमारे भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर या फिर अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे बटनेर दुर्ग जो है दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की है दोस्तों? बनी ठनी जो चित्र शैली है वो कहाँ की है दोस्तों? ऑप्शन हमारे किशनगढ़, सांगानेर, गजनेर या फिर अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे बनी ठनी चित्र शैली जो है दोस्तों वो हमारे किशनगढ़ की प्रसिद्ध दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों किशनगढ़ जो है वो अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह किसने किया दोस्तों? 1857 की जब क्रांति हुई तब कोटा में विद्रोह किसने किया? ऑप्शन है हमारे जयदयाल, विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह जो दोस्तों किया था वो हमारे जयदयाल ने किया था। किसने किया था? जयदयाल ने किया था 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह जो किया था दोस्तों, जयदयाल ने किया था। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन हमारे मलिक मोहम्मद, जायसी, फरिश्ता, चंद्रशेखर या फिर जोधराज।
तो दोस्तों पद्मावत जो है दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता जो है वो दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सीकर, भरतपुर, जयपुर या फिर अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों वो हमारे राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, घाघरोन दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले 3-4 बार बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बीएसटीसी में नहीं, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में दोस्तों घाघरोन दुर्ग के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार भी आने की संभावना है, तो दोस्तों आप जरूर पढ़ना इसको दोस्तों। घाघरोन दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? ऑप्शन हमारे झालावाड़, भरतपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे घाघरोन दुर्ग जो है दोस्तों वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों। ये जल दुर्ग कहलाता है दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों ये। एक तो ये और एक भैसोड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़ जिले में स्थित है दोस्तों, ये दोनों जो दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों कई बार पूछे गए एग्जामों में, तो आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे घाघरोन दुर्ग जो है दोस्तों राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे जयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे सूर्य नगरी के नाम से दोस्तों जोधपुर जिले को जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है? जोधपुर जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जवाई बांध, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है दोस्तों वो जवाई बांध को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? जवाई बांध को। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और जो ये जवाई बांध है दोस्तों ये हमारे जवाई नदी पर बना हुआ दोस्तों, और जो कि पाली जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में स्थित है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना कि जो जवाई बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मी किसका नाम है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे खेजड़ी, ऊँट की प्रजाति, बकरी की प्रजाति या फिर दोस्तों क्षेत्र का नाम। तो दोस्तों सम्मी जो है दोस्तों, सम्मी, जाटी, ये दोनों जो नाम है दोस्तों वो खेजड़ी के नाम है दोस्तों। किसके नाम है? खेजड़ी के। तो ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और जो इनकी जो पत्तों को दोस्तों लूम कहा जाता है दोस्तों, खेजड़ी की जो पत्ते होते हैं उसको लूम कहा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? जूनागढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? ऑप्शन हमारे बीकानेर, भरतपुर, कोटा या फिर अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे जूनागढ़ दुर्ग जो है वो दोस्तों राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र घी से बना मंदिर कौन सा दोस्तों? राजस्थान का जो एकमात्र घी से बना मंदिर कौन सा है दोस्तों? ऐसा कौन सा मंदिर है जो घी से बना हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे भांडासा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान का जो एकमात्र घी से बना मंदिर जो है दोस्तों वो हमारे भांडासा का जैन मंदिर है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं दोस्तों? भारतीय बाघों का जचा घर किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या फिर केवला देव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे भारतीय बाघों का जो जचा घर है दोस्तों वो हमारे रणथंभौर अभ्यारण्य को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? भारतीय बाघों का घर रणथंभौर अभ्यारण्य को कहा जाता है दोस्तों, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य नृत्य है दोस्तों, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे घूमर, पनिहारी, चंग या फिर गिद्दड़ नृत्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे राजस्थान का जो राज्य नृत्य है दोस्तों वो हमारे घूमर
घूमर है दोस्तों, घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे एक करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए दोस्तों? जो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम आम चुनाव हुए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो प्रथम व्यक्ति है ना दोस्तों, उपनाम व्यक्ति, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर पढ़ना इनको, एक बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों। तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों? ऑप्शन है हमारे 1956, 1952, 1958 या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हमारे 1960। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे राजस्थान में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों, वो हमारे 1952 को हुए थे दोस्तों। कब हुए थे? 1952 में राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे अजमेर, धौलपुर, भरतपुर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर जिले में स्थित है, देशनोक बीकानेर में। तो दोस्तों ये जिस्तान का नाम भी याद रखना कि कहाँ पर स्थित है दोस्त, देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिसे काबा कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप कि जो देश करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो काबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पीपलूद, किराडू मंदिर, भंडदेवरा मंदिर या फिर जगत मंदिर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे मारवाड़ का जो लघु माउंट है दोस्तों, वो पीपलूद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? पीपलूद को कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। मारवाड़ का जो लघु माउंट है पीपलूद को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे अजमेर, कोटा, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे नाकोड़ा का जैन मंदिर जो है दोस्तों, वो हमारे बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन हमारे अजमेर, भरतपुर, जयपुर या फिर जालौर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे स्वर्ण नगरी के नाम से दोस्तों जालौर जिले को जाना जाता है। ऑप्शन हमारे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। स्वर्ण नगरी तो जालौर जिले को कहते हैं, और स्वर्ण नगरी दोस्तों कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं और सुवर्ण नगरी जालौर को कहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे अजमेर, कोटा, उदयपुर या फिर भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे सैलानियों का जो स्वर्ग है दोस्तों, वो उदयपुर जिले को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सैलानियों का जो स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सैलानियों का जो स्वर्ग है वो दोस्तों उदयपुर जिले को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे जिलों की जो नगरी है दोस्तों, वो हमारे उदयपुर जिले को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? उदयपुर जिले को जिलों की नगरी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जिले हैं राजस्थान में, जो सर्वाधिक जिले वो दोस्तों उदयपुर जिले में होने के कारण इसे जिलों की नगरी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे पहाड़ों की जो नगरी है दोस्तों, ये हमारे डूंगरपुर जिले को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पहाड़ है, इसलिए इस कारण इसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 दीपों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन हमारे बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा या फिर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे 100 दीपों का जो शहर है दोस्तों, वो बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा जिले को 100 दीपों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर बाड़मेर। तो दोस्तों हाथी महोत्सव जो है दोस्तों, ये हमारे जयपुर जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन हमारे एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये जितने भी महोत्सव 14-15 महोत्सव दोस्तों, इनको जरूर आप याद करना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पक्का आने वाला दोस्तों, तो जरूर याद करना आप। हाथी महोत्सव जयपुर का हो गया दोस्तों। ऑप्शन हमारे एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदौरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध दोस्तों? बिंदौरी नृत्य जो है वो दोस्तों किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे अलवर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर झालावाड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे बिंदौरी नृत्य जो है दोस्तों, वो हमारे
झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ जिले का बिदोरी नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं अपन। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जोधपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। ये बिल्कुल यह कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी क्लास संस्कृति और हिस्ट्री से ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे हमारे नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में।